Dear learners, I am Rachna. I am going to teach you rational numbers. Before starting my teaching, kindly subscribe my channel so that you will get notification of my upcoming videos. If you like my way of teaching, kindly support me by clicking on like button and also share my video to your friends and relatives. Okay, now start our topic, rational numbers. Firstly, I want to introduce you about the number. Okay, numbers कितने टाइप के होते हैं. First one is natural number. अगर हम बात करें earlier classes की तो हमने पहले पढ़ा हुआ है natural numbers के बारे में. Natural number जिसे हम counting numbers कहते हैं. ठीक है, counting numbers जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay, लेकिन जैसे ही हम काउंटिंग नंबर पढ़ रहे थे, फिर उसको हम जैसे ही आगे क्लास में आए, अगली क्लास में हम गए, तो हमने देखा उसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी. तो हमने नेक्स्ट क्या फाइंड किया, होल नंबर्स. यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो और ऐड कर दे रहे हैं तो इसे हम कह रहे हैं होल नंबर्स. ओके, द सिस्टम ऑफ होल नंबर्स वी एक्सटेंड टू दैट ऑफ होल नंबर्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4 etc. ओके, लेकिन जब हम लोग ने फिर से देखा कि जब हम दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो हमें एक होल नंबर मिल रहा था, जब हम टू होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमें होल नंबर्स नहीं मिल रहा था. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 4 माइनस 3 कीजिए, तो व्हाट विल यू गेट, 4 माइनस 3 इज 1. 4 माइनस 3 इज 1. बट अगर मैं आपसे कहूं 3 माइनस 4 कीजिए, तो फिर 3 माइनस 4, ये तो होल नंबर नहीं हो रहा है ना. तो इसलिए हमें फिर किसकी जरूरत पड़ी, नंबर्स को थोड़ा और एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी. यानी कि अब हम आए इंटीजर्स पे. इंटीजर्स पर, यानी इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होता है सारे ही पॉजिटिव नंबर्स, सारे ही निगेटिव नंबर्स एंड जीरो. ओके, यानी इंटीजर में हम सारे नंबर्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर एंड जीरो. ठीक है, पॉजिटिव 1, +1, +2, +3, +4 इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर. -1, -2, -3, -4 etc इट इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर. ओके, एंड जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर. ठीक है, फिर टू गिव मीनिंग टू पी आउट ऑफ क्यू इक्वल पार्ट्स ऑफ एन यूनिट एंड ऑल्सो गिव टू अ मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन पी अपॉन क्यू ऑफ नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू. The natural numbers of system can be extended in another way to have fraction. Means, यानी कि हमने देखा कि अगर कोई भी एक पार्ट, किसी भी हम चीज का अगर कोई पार्ट लेते हैं तो उसको शो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, फिर हमें एक फ्रैक्शन नंबर की जरूरत पड़ी ना. यानी कि फ्रैक्शनल नंबर पर फिर हम लोग आए, तो हमें एक फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी. यानी कि किसी भी चीज के पार्ट को अगर हमें शो करना है कि ये इसका कितना पार्ट है ना, इक्वल पार्ट को अगर हम शो करना है तो उसके लिए हमें फ्रैक्शनल नंबर की जरूरत पड़ी. तो हमने ये फ्रैक्शनल नंबर फाइंड किया. ठीक है ना, यानी लेकिन फ्रैक्शनल नंबर में ये जो हमारा न्यूमरेटर और ये जो डिनोमिनेटर होता है वो नेचुरल नंबर होता है. ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर किस फॉर्म में होता है हमारा, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर नेचुरल नंबर. पी एंड क्यू बोथ आर नेचुरल नंबर. ओके, लेकिन अगर मैं कहूं कि फिर से वही प्रॉब्लम हमारे साथ आई कि अगर हम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो एक फ्रैक्शन आता है, लेकिन अब जब हम दो फ्रैक्शनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आता. जैसे कि मानिए मैंने लिखा 2/5. 2/5 फ्रैक्शनल नंबर तो नहीं हो सकता ना. क्यों, क्योंकि -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर -2 है, नहीं है ना. अपॉन में 5 है, +5 है, तो 5 तो नेचुरल नंबर है लेकिन -2 नहीं है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं हुआ. तो इसलिए यानी कि हमें फ्रैक्शनल नंबर को भी थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ा. यानी अब हम नेक्स्ट पर हम लोग क्या आए, रैशनल नंबर पर आएंगे. ठीक है, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है. यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा. सबसे पहली क्लास में हमने काउंटिंग नंबर्स जिसे कि हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, यानी वो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी और फिर हम नेक्स्ट पर आए होल नंबर. इट स्टार्ट विद 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. आफ्टर दैट फिर हम इंटीजर्स पर आए. होल नंबर्स को हमने थोड़ा और एक्सटेंड किया, फिर हम इंटीजर्स पर आए. इंटीजर्स के में क्या है, आप देखिए, सारे नेचुरल नंबर, सारे ही नेचुरल नंबर,
होल नंबर, होल नंबर में जीरो भी होता है तो होल नंबर भी, और सारे निगेटिव इंटीजर भी इसमें होते हैं, ठीक है, इंटीजर के अंदर सब इंक्लूड होता है, ओके ना। फिर नेक्स्ट हम फ्रैक्शनल नंबर पर आए। फ्रैक्शनल नंबर जब भी हमें किसी भी चीज का पार्ट अगर शो करना है कि कौन इसका कितना पार्ट है, फिर हमें इसके लिए फ्रैक्शनल नंबर की जरूरत हुई, तो इसलिए हमने फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शनल नंबर की याद रखिएगा, हमेशा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी पी अपॉन जो क्यू होता है, पी एंड क्यू बोथ आर नेचुरल नंबर्स, ओके, दे आर नॉट इंटीजर्स, दे आर नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर कहीं पर मानिए 2 -2/5 लिखा है, तो ये तो नेचुरल नंबर, ये तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं हुआ ना, क्योंकि ये -2 है। और अभी मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल नंबर में -2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो इसके लिए हमें इस तरह के नंबर्स को शो करने के लिए रैशनल नंबर की जरूरत पड़ी, तो फिर हम लोग ने रैशनल नंबर पढ़ा, ठीक है। आज हम देखते हैं व्हाट आर रैशनल नंबर। इट इज वेरी इजी, अ नंबर विच कैन बी रिटर्न एज पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स कोई भी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर को जब हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रहे कि जो हम पी और क्यू ले रहे हैं, ये हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और आप सभी को पता है इंटीजर क्या होते हैं, सारे ही निगेटिव और पॉजिटिव नंबर विद जीरो, दीज आर इंटीजर्स, ठीक है ना। तो ये पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और डिनोमिनेटर यानी कि हमारा क्यू नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं 1/3, तो 1 is a integer एंड 3 is also integer, इट इज पी, इट इज क्यू, सो पी अपॉन क्यू, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इट इज अ रैशनल नंबर। See here, 3 is not equal to 0, right? Here is 3, q is not equal to 0, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। अगर मैं यहाँ 1/0 लिखती तो ये रैशनल नंबर नहीं होता, क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि q कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ओके। सो इट इज -3/5, ये ऑल आर रैशनल नंबर, ओके। द वर्ड रैशनल हैज बीन डिराइव्ड From the word ratio which mean division. ये जो हम rational number पढ़ रहे हैं, ये rational number, rational word कहाँ से आया है, ये word ratio से आया है, which means division, जिसका मतलब है कि division करना, ठीक है। वो वैसे भी हम लोग करते भी हैं, देखिए 1/1 means division, 1/3, -3/5, so this is the rational number, okay? Note देखिए एक important point, all natural numbers, whole numbers, integers and fraction are rational number. All natural numbers, whole numbers, integers and fraction are rational number. अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि all natural numbers, सारे ही natural number, सारे ही whole number, सारे ही integers, सारे ही fractional number क्या होते हैं, rational number होते हैं, तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया। जैसे कि मैंने कहा 2, तो आप बताइए, आप तो यही कहेंगे ना कि 2 कैसे रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर तो वो होता है जो p अपॉन q लिखा होता है ना, ये p तो है लेकिन अपॉन में तो कुछ भी नहीं है, तो याद रखिए कि अपॉन में 1 लिखा होता है, हर डिजिट के अपॉन में 1 लिखा होता है, इसलिए क्योंकि 1 से हम जब भी कोई नंबर डिवाइड करते हैं तो वही आंसर आ जाता है ना, इसलिए हमेशा अपॉन में 1 होता है। यानी अगर कोई भी आपसे कहे कि 2 क्या रैशनल नंबर है, तो आप तुरंत 2/1 लिखिए, फिर कहिए हाँ ये है p, ये है अपॉन और ये है q, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और q इज नॉट 0, q यहाँ पर 0 नहीं है ना, q कितना है, 1 है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो सारे ही नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा 8, तो 8 क्या रैशनल नंबर है, बताइए मुझे, होगा, है ना, क्यों, क्योंकि 8/1 हम लोग लिख देंगे, और ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा p, ये अपॉन, ये 1 क्या हो जाएगा, q, p अपॉन q, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ऑल होल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। होल नंबर जैसे कि मैं कहूं 0, तो 0 मुझे बताइए क्या 0 रैशनल नंबर है, हाँ 0 रैशनल नंबर है, पूछिए कैसे, हम फिर से वही काम करेंगे, 0/1 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 यानी कि ये हो गया p,
ये हो गया अपॉन और वन हो गया क्यू, ये अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ठीक है, बहुत से बच्चे कहेंगे तो जीरो है तो जीरो तो नहीं होना चाहिए. तो याद रखिए जीरो कहाँ नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. फिर से देखिए रैशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके, हमारा जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. इसलिए अगर कोई आपसे कहे जीरो रैशनल नंबर है तो आप तुरंत कहिए कि यस जीरो इज एन रैशनल, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज जीरो अपॉन वन, जीरो इज P एंड वन इज Q, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, सो इट इज अ रैशनल नंबर. ओके, एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ओके, सिमिलरली अगर मैं कहूँ माइनस टू तो ये एक रैशनल नंबर होगा. कैसे, फिर से वही बात, माइनस टू अपॉन वन लिख देंगे, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इट इज सो इट इज अ रैशनल नंबर. ओके, ऑल्सो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर. अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा जीरो क्यों नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा, है ना. तो सुनिए, कभी भी आप डिनोमिनेटर में अगर जीरो, मान लीजिए टू अपॉन मैंने जीरो लिखा, यानी डिनोमिनेटर में अगर आप जीरो लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा. क्यों, क्योंकि अगर हम जीरो से भी किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो फिर ये हमारा एक मीनिंगलेस आता है, हमारा जो आंसर आता है, ठीक है ना, इसलिए ये नंबर नहीं हो सकता. इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं लिखते हैं. ओके, या कोई भी ऐसा नंबर अगर डिनोमिनेटर में जीरो लिखा हुआ है तो वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता. ओके, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं. आप लोग को रैशनल नंबर समझ में आ गया ना, पहले मैंने आप लोग को इसीलिए लाइन से नंबर समझाया कि वॉट आर नेचुरल नंबर, फिर हमें नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हमें इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी, फिर इसके बाद हमें फ्रैक्शन नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद जब हम और बड़ी क्लास में आए तो अब हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब इससे भी अगर आप और थोड़ा बड़ी क्लास में जाएंगे तो उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, और भी नंबर पढ़ेंगे इसके आगे. ठीक है, पहले अभी हम लोग पढ़ते हैं रैशनल नंबर. चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द रैशनल नंबर्स एंड देन राइट देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स. आपको ये क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आपको इसमें क्या करना है, रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, आफ्टर दैट राइट देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसके बाद उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है. ठीक है ना, चलिए देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइव, सो आप मुझे बताइए फाइव रैशनल नंबर है कि नहीं है. बिल्कुल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फाइव इज अ रैशनल नंबर. कैसे, क्योंकि हम फाइव अपॉन वन लिख सकते हैं ना, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, सो इट इज अ रैशनल नंबर. अब हमसे पूछा है देन राइट देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर हमारा क्या है, फाइव, तो हम लोग इसके साइड में लिख देंगे न्यूमरेटर एंड वन इज डिनोमिनेटर. ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज जीरो. आप लोग मुझे बताइए, अभी मैंने आपको समझाया कि जीरो रैशनल नंबर होगा, बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं होगा, लेकिन ये नंबर होगा. अभी मैंने आपको बताया कैसे, क्योंकि हम इसको क्या लिखेंगे, जीरो अपॉन वन. ओके, जीरो इज न्यूमरेटर एंड वन इज डिनोमिनेटर. रैशनल नंबर ये कहता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है. ओके, माइनस सेवन अपॉन एट, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, राइट. सो हेयर सेवन, माइनस सेवन इज न्यूमरेटर एंड एट इज डिनोमिनेटर. ओके, सिक्स अपॉन सेवन, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, सिक्स इज न्यूमरेटर एंड सेवन इज डिनोमिनेटर. ओके, फाइव अपॉन जीरो, टेल मी इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट. नो, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. वाई, बिकॉज हेयर डिनोमिनेटर इज जीरो, डिनोमिनेटर इज जीरो. और अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, वरना इसका आंसर मीनिंगलेस आएगा, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता. तो ये इट इज नॉट रैशनल नंबर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट रैशनल नंबर. ओके, जीरो अपॉन माइनस फाइव, हाँ ये हो सकता है. क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, और इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी हमने लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर. ओके, आप लोग को सब समझ में आ गया ना. अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है.
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, थैंक यू.